सीखना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जो मैं न्यूज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन में, वो मजा कब आएगा जब आप उसको उस न्यूज का फायदा लेंगे, और फायदा कब ले पाएंगे जब आप सीखेंगे, ठीक है, और उससे ज्यादा फायदा कब ले पाएंगे जब आप सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसके बाद लोगों को सिखाएंगे। पहले सीखो, फिर सिखाओ, फिर पैसा कमाओ। ऊपर बताओ, ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ खूब सारे पैसे। ठीक है, कर भला तो हो भला, खुद का भला हो, परिवार का भला हो, समाज का भला हो, राज्य का भला हो, देश का भला हो, पूरे दुनिया का भला हो, ऐसा कुछ करके जाना है, ठीक है। और ये ऐसा कुछ करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है डीएमके, कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो चलिए, आप सभी हमारे नए पार्टनर्स का, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है ना, काला हो गया पूरा, ब्लैंक। तो ऐसे ही अपने दिमाग को ना ब्लैंक करना है पहले तो, ठीक है, पूरा दिमाग खाली करो पहले, कुछ भी होगा आपके दिमाग में पहले उसको खाली करो। जितना भी जानते हो ना उतना ही पैसा अपन कमा रहे, ज्यादा पैसा कमाना है तो कुछ ज्यादा कुछ अलग जानना पड़ेगा, ठीक है। तो दिमाग को खाली करो, और आज के सेशन में पूरा फ्री माइंड के साथ सेशन को अटेंड करते हैं, तो आप सभी मेहमानों का, ठीक है, हमारे इस डीएमपीएल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हमारे डीएमपीएल, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा सिस्टम केटीएस सिस्टम, एक ऐसा परिवार डीएमपीएल परिवार, जिस परिवार में मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यार एकदम यूनिक चीज है आपको जो मिला हुआ है, ठीक है, यूनिक चीज है आपके जिंदगी का, सबसे सबसे बेहतरीन चीज आपको मिल गया अभी, वो है डीएमपीएल। कारण क्या है पता है, यहाँ आपको कई सारे लोग हैं जो जानते तक नहीं है, कई सारे लोग हैं जो जानते तक नहीं है, ठीक है, फिर भी वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। ये इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आता है मुझे इस काम को लेकर, क्योंकि ये काम ही इतना पावन पवित्र और इतना बेहतरीन काम है यार, किसी को लूटना नहीं है, किसी का लपेटना नहीं है, ठीक है, किसी को बेवकूफ नहीं बनाना है, किसी को टोपी नहीं पहनाना है, एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन काम है। और सबसे मजे की बात इस काम का खासियत क्या है, लोगों की मदद कर सकते हैं अपन, ठीक है। कल एक मैडम ने, रुखसाना मैडम ने एक वीडियो डाला था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो एक बच्चे का कितना हालत खराब था, लेकिन हमारे सेल्स के वेल डिटॉक्स से उसकी जिंदगी इतना जबरदस्त हो रहा है यार, क्या बात है, बहुत प्राउड हुआ उस वीडियो को देखकर। ऐसे कई सारे रिजल्ट हैं, और कई सारे लोगों की जिंदगी एकदम बद से बदतर, गरीबी से गरीबी, भयानक गरीबी झेल रहे थे लोग, लेकिन आज देख रहे हो कर्जे में थी जिंदगी, रो रहे थे एकदम, कई लोग तो सुसाइड करने के समय में आ चुके थे, लेकिन यार किस्मत भगवान की असीम कृपा से उनको डीएमपी मिला, और आज उनकी जिंदगी एकदम शानदार हो गई है। तो ऐसा भी जिंदगी आपको मिलने वाला है, आप इस परिवार के हिस्सा बन चुके हैं, और सिस्टम, ठीक है, मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि आप जानोगे नहीं तो आपको प्राउड कैसे होगा, आप कैसे एक्साइटेड होंगे। देखो बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 60 साल हो गया है, और 30 साल से ज्यादा हमारे देश में हो गया है, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डीएमपीएल बस नहीं है, लेकिन डीएमपीएल इतना तेजी से ग्रो करने का कारण क्या है, डीएमपीएल के इतने तेजी से ग्रो करने का कारण है ये हमारा सिस्टम, ठीक है। आज भी बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं जो हमारे सिस्टम में नहीं है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो सिस्टम में नहीं है, जानते तो बहुत कुछ है, नॉलेज तो बहुत कुछ है, एक्सपीरियंस भी बहुत है, लेकिन पैसा कैसे नहीं आ रहा उन लोगों को। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने प्लेटफॉर्म में काम भी किए, लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा था, कारण क्या था पता है, उनके पास ये सिस्टम नहीं था। तो पावर सिस्टम में बहुत है दोस्तों, इस सिस्टम के पावर को समझ गए ना तो आप कितना भी कुछ भी नहीं जानते होगे, एकदम खाली होगे, कुछ भी नहीं आता होगा, आप भी पैसा कमाने वाले हो, इसलिए डीएमपीएल है तो सब आसान है। चलिए आगे चलते हैं, आज एक्साइटिंग गुड न्यूज, एक्साइटिंग ऑफर आपको मिलने वाला है, और एक नहीं दो दो, कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा ना, ठीक है। तो पहला एक्साइटिंग ऑफर किस चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पहला नहीं दूसरा, ठीक है, दूसरा एक्साइटिंग ऑफर किस चीज से जुड़ा हुआ है, उस चीज को मैं एक बार थोड़ा आप लोग को बताऊंगा, क्यूरियोसिटी जगाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से, अटेंशन प्लीज, लिखना नहीं है अभी क्या लिख रहे हो भाई, अभी कुछ मैं बोला कि नहीं, लिख क्या रहे हो, अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, बाद में बोलने के लिए काम आएगा, इसलिए लिख रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। तो दूसरा एक्साइटिंग ऑफर को मैं पहले बता देता हूँ, फ्री जिम कार्बेट नैनीताल का टूर, कैसा रहेगा, जिम कार्बेट और नैनीताल जाने वाले हैं अपन, ठीक है। डीएमपीएल आपको अभी जबरदस्त जगह घुमाने की तैयारी कर चुका है, जिम कार्बेट और नैनीताल, तो अब आएगा मजा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो नैनीताल और जिम कार्बेट घूमने के लिए एकदम एक्साइटेड है, ठीक है, चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे, और
बोलोगे तब भगवान आपको तथास्तु भी बोलने वाले हैं। तो क्या आप सब एक्साइटेड हैं यहाँ जाने के लिए? नैनीताल और जिम कार्बेट, ठंडी का गर्मी में ठंड का मजा लेने वाले हैं अपन वहां जाके। अरे बाप रे, फुल एक्साइटेड है लोग, क्या बात है, वेरी एक्साइटेड, फुल एक्साइटेड, क्या बात है, जबरदस्त। गौरव शर्मा सर, शंकर लाल पोयाम जी, दिगंबर साहू जी, देवी प्रसाद मार्कंडे जी, फैमिली के साथ जाएंगे, बोल रहे हैं, क्या बात है। सहदेव कुमार निषाद जी, तरुण साहू सर, मधुरिमा साहू मैडम, महेश साहू जी, देवनाथ सिंह जी, अरे बाप रे, फुल एक्साइटेड हो गए लोग। कैसा रहेगा गर्मी में ठंड का मजा? जिम कार्बेट और मनाली, नैनीताल, सॉरी नैनीताल जाना भी एक बहुत बड़ा ड्रीम रहता है, ठीक है। उत्तराखंड के वादियों में नैनीताल में जबरदस्त घूमने का मौका मिलेगा। डीएमपीएल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है ऐसा, ठीक है। इसलिए मैं बोला था ना, यूट्यूब में रहोगे मजा है, जूम में रहोगे तो अलग मजा आएगा, यूट्यूब में लाइव है नहीं, अब कैसे फीलिंग कराओगे, ठीक है। हाँ सोनी सर तो नाच रहे हैं भैया, रविकांत सोनी सर तो, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, चलो बढ़िया है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, लिखना बंद करो यार, आप लोग तो लिखना बंद ही नहीं कर रहे हो, एक्साइटमेंट, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, आप सेशन में बताऊंगा कैसे आप अचीव करेंगे, क्या करेंगे कि नैनीताल आप फ्री में जा सकते हैं, कैसा रहेगा, फ्री में नैनीताल, मजा आ जाएगा यार, क्या बात है हीरा दास जी, ऐसा रहेगा। चलो बढ़िया है, अब आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं डीएमपीएल में अगर आपने स्टार्ट किया है काम तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी है जो आपको करना पड़ेगा डीएमपीएल में काम स्टार्ट किया। तो डायरी पेन लेकर रखें जरूर, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ आपको कराऊंगा, लिखवाऊंगा भी, ठीक है। एकदम जबरदस्त चीज और एकदम काम की चीज, ठीक है, डायरी पेन लेकर रखें, वेरी गुड। बहुत सारे लोग लेकर रखे हैं डायरी पेन, है दिखा सकते हैं आप लोग साथ में रखे हो तो। चलो उत्तरा सिन्हा मैडम, क्या बात है, चंद्रा सोनकर सर, राकेश राकेश रावटे सर, क्या बात, करी बाजार से मीरा वैष्णव मैडम, डायरी पेन डायरी पेन डायरी पेन दिखना चाहिए भैया, चलो बढ़िया, वेरी गुड। तो आगे बात करते हैं डीएमपील की शुरुआत कैसे करना है। तो एकदम सिंपल सा काम क्या है, किस काम को क्यों करना है, ये 10 कारण आपको लिखना है। ऐसे क्या कारण है जिसके कारण आपको ये डीएमपील करना चाहिए। जब आपको ये बताया गया है कि यार ऐसा ऐसा काम है, 3,000 में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, फ्री, जीरो इन्वेस्टमेंट, फ्री का बिजनेस है, कुछ लगाने का कुछ नहीं है, मतलब खोने का कुछ नहीं और होने का बहुत कुछ, ऐसा बताया गया, तो आपके मन में उस समय क्या क्या इच्छाएं पैदा हुई थी, ठीक है। उस समय आपके अंदर क्या क्या इच्छाएं पैदा हुई थी, उस उन इच्छाओं को लिखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार आपको एक बात मैं बोलता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से अटेंशन से सुनिए, दिस इज नॉट अ जोक, ठीक है, ये जोक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहरी और गंभीर बात क्या है, ये लक्ष्य, बिना लक्ष्य का इंसान और बिना डोर की पतंग, क्या है, कचरा है, कचरा। जी हाँ, अगर आपके लाइफ में अगर लक्ष्य नहीं है ना, तो फिर समझ जाओ क्या है लाइफ, क्या है समझ जाओ। बिना डोर मतलब जिस पतंग में डोर नहीं हो, पतंग का कोई वैल्यू नहीं हो, कचरे में डाल दिया जाता है, वैसे ही जिस आदमी के पास लक्ष्य नहीं है ना, उसका भी कोई वैल्यू नहीं हो, उसका भी स्थिति कैसा रहता है देख रहे हो, खा लीजिए वैसा, फ्री का खाओ और ठीक है, कचरा हो जाता है जिंदगी। तो आप कचरा नहीं बनना चाहते ना, तो आपको अभी मैं करने जो बोल रहा हूँ ना, बोलूंगा, जो मैं करवाने जा रहा हूँ उसको करना है। तो आइए जानते हैं जिंदगी को कचरे से निकाल कर, ठीक है। जी हाँ, आपको हो सकता है हर्ट होगा, हो सकता है आपको बुरा लगेगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए ही बताया जा रहा है, आपके लिए ही करवाया जा रहा है। आपको, आपके पास लक्ष्य नहीं है ना, तो कहाँ जाओगे यार, कहीं नहीं जाओगे, वहीं का वहीं रहोगे। तो क्या करते हैं अपन, अभी आप डायरी और पेन निकालिए और मैं जो बोलते जाऊंगा उसको लिखते जाना, ठीक है। लिखिए कि इस मार्च, ठीक है, 1 मार्च से 31 मार्च के बीच, इन इन दौरान में, 1 मार्च आज से लेकर 31 मार्च तक, आप डीएमपीएल में कौन सा रैंक अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो रैंक का टारगेट बनाइए, ठीक है, और इस महीने लिखो जी लिखो, इतना बड़ा बाद में बोल दिया ना, कचरा है करके फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मेरी बात तो में ही कचरा समझ आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड। लिखो इस महीने कौन सा रैंक अचीव करना है, नया रैंक, आप इस मार्च में क्या रैंक अचीव करना चाहते हो, करने वाले हो, लिखो। और दूसरा, इस महीने आप कितना इनकम करने वाले हो मार्च महीने में, ठीक है। बड़ी बात नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, 5 साल 10 साल का नहीं बात करेंगे अपन, इस महीने को तो पहले सुधार लें, ठीक है। लिखो इस महीने आप डीएमपीएल से कितना इनकम करना चाहते हो, मासो राम जी, लखपति भैया लखपति, लिखो लिखो, ठीक है।
इस महीने आप डीएमपीएल से कितना इनकम करने वाले हो, और साथ ही साथ उस इनकम का, इस महीने के इनकम का क्या करने वाले हो। टीकाराम साहू जी लिखो लिखो, ठीक है। इस महीने जो इनकम कमाओगे डीएमपीएल से, इस महीने के इनकम का आप क्या करोगे, कितना पैसा आएगा, उतने पैसे का करने क्या वाले हो, लिखो। वेरी गुड वेरी गुड। भंसाली सर, जीवदान साहू सर, लिख लिया आपने? वेरी गुड। राहुल बुंदेला सर, चलिए। डोमन ठाकुर सर, शिवराम अमरवंशी सर, चलिए। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो इस महीने जब अपन, अपने पास जो इनकम आएगा, सुमित्रा मैडम लिख लिया आपने? चलो वेरी गुड। ठीक है, बदन सिंह बंजारा जी, ठीक है। इस महीने जो इनकम कमाएंगे उस पैसे का करेंगे क्या यार? क्या होगा पता है, मैं एग्जाम्पल बार बार देता हूँ, अदरवाइज मत लीजिएगा। एक मजदूर व्यक्ति जो डेली का 200 400 200 300 कमाता है, उसको अचानक एक दिन 2000 मिल जाता है ना, क्या करता है उस पैसे का, क्या करता है? पैसे को खा पी के उड़ा देता है, खा पी के नहीं, पी खा के उड़ा देता है। और अकेले नहीं, मजे की बात है, दो चार दोस्तों को और बुलाता है, उसके बाद उस पैसे को बाट लगा देता है। कारण क्या है पता है, उसको पहले से कोई प्लानिंग नहीं था ना उस 2000 का करना क्या है करके। वैसे ही अगर आपके पास पैसा आएगा डीएमपी से, इतना पैसा आएगा कि आप गिन नहीं पाओगे, लेकिन भैया उस पैसे का क्या करना है, प्लानिंग नहीं रहेगा ना, तो आपके पास पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, दिखेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग करना है, इस महीने कौन सा रैंक अचीव करना है, कितना पैसा कमाना है, उस पैसे का क्या करना है, बस इतना अपने पता रहना चाहिए। इसलिए दबाव काम करेंगे। और इस महीने का सबसे बड़ा टारगेट कि आप इस महीने कितने लोगों को प्लान बताने वाले हो, लिस्ट, आप कितने लोगों को प्लान बताओगे, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। बस अब अपन कचरे नहीं है इस महीने के लिए, कम से कम इस महीने के लिए तो अपन कचरा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस महीने के लिए अपन कचरा नहीं रहेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, पहले कौन सा रैंक अचीव करना है, कितना इनकम करना है, उस पैसे का क्या करना है, और साथ ही साथ कितने लोगों का आप इस महीने प्लान बताने वाले, ठीक है। हाँ, आप जरूरी टास्क जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, आपने इनकम लिख लिया? ओम प्रकाश पटेल सर, पुष्पा मैडम और राकेश सर, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, क्या बात है, दोनों एक साथ अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, अब जितना इनकम लिखे हो ना, जितना इनकम लिखे हो ना, उसको ना 4 से डिवाइड कर दो। मतलब महीने में 4 हफ्ता होता है, ठीक है, तो आप 4 से डिवाइड करो कितना पैसा आ रहा है। जितना इनकम इस महीने कमाने वाले, उसको 4 से भाग दो, भाग देना है, डिवाइड मतलब भाग देना है, और भाग देने के बाद कितना पैसा आ रहा है उसको देखो, ठीक है। मतलब आपको इस हफ्ते कितना पैसा कमाना है, वो टारगेट आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया भैया कितना पैसा कमाना है इस हफ्ते। अब एक हफ्ते का जो आपने इनकम निकाला है, उसको 7 से डिवाइड करो, 7 से भाग दो उसको, ठीक है। एकदम क्लियर कट रोड मैप है इस महीने का, एकदम क्लियर कट रोड मैप, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे और आपको पता चलेगा कि आपको हर रोज कितना पैसा कमाना है, ठीक है। पर डे आपको कितना पैसा कमाना है क्लियर हो चुका है, उसके लिए काम करेंगे। अगर आपने लिखा है कि मुझे 1000 रुपया डेली कमाना है, तो आपको पता है कितना प्लान दिखाना पड़ेगा, कितना ज्वाइनिंग आएगा, और कितने ज्वाइनिंग से आपको 1000 आएगा। आपको क्लियर कट रोड मैप मिल गया इस महीने का, ठीक है। तो आप लोगों ने तैयारी कर लिया होगा, चलिए अब आगे चलते हैं। और नहीं किया होगा भैया तो पैसा नहीं आएगा, वो आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदारी। मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता बस रहा हूँ ना, करना नहीं करना तो आपके आपके ऊपर, नहीं कचरा हो जाएंगे क्या मतलब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने लिखा है भैया कितने लोगों का प्लान बताना है, मतलब आपको क्या करना है, आपने अगर नया शुरुआत किया होगा तो 200 लोगों के नामों की सूची डायरी में लिखना है, डायरी में, दिमाग में नहीं लिखना है, ठीक है। दुनिया का सब, जितना बड़ा काम है सब दिमाग में होता है, और अपन डायरी के भरोसे रहते हैं। जितना बड़ा काम है सब लिखित में होता है, और अपन दिमाग के भरोसे में रहते हैं। एक आदमी दिमाग खराब हो गया ना, तो आपका लिस्ट भी खराब हो जाएगा, ठीक है। और मोबाइल के भरोसे नहीं रहना है, मोबाइल भी खराब हो गया तो आपका लिस्ट खराब हो जाएगा, बिजनेस खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। इसलिए क्या करना है, डायरी और पेन में लिखना है। हो सकता है कभी दिमाग खराब रहेगा तो अपन कुछ समय के लिए दिमाग खराब होगा, भूलेंगे नहीं, डायरी देखेंगे फिर दिमाग स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डायरी में लिखवाया जाता है। आगे चलें, ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपने बिजनेस को अभी अभी शुरुआत किया होगा ना, तो एकदम अच्छे से ध्यान क्या रखेंगे कि स्टेटस नहीं डालना है कहीं भी, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया और कोई आपको पूछ देगा ना कि कैसे काम करना है, क्या करना है, और आप नहीं बता पाओगे तो आदमी ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि ना लोगों को जानकारी नहीं रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इस इंडस्ट्री का किसी को जानकारी नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना आधा अधूरा जानकारी महा खतरनाक,
ठीक है, जानकारी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है कुछ नहीं जानता, लेकिन जानकारी आधा अधूरा है या गलत जानकारी ना, तब तकलीफ में आता है आदमी, ठीक है, तब तकलीफ में आता है। अभिमन्यु क्यों निपट गया, महाभारत सबने जानते होंगे, ठीक है, कर्ण का पुत्र जो नहीं था अभिमन्यु, ओ सॉरी क्या था, हाँ अभिमन्यु ही था, ठीक है, उसको जानकारी था, ये अच्छी बात था, लेकिन आधा अधूरा था इसलिए निपट गया, जाग चक्र में फंस गया। वैसी हमारी जिंदगी भी है, जानकारी है पूरा रहे तब लोगों को शेयर करें, नहीं है तो स्टेटस मत डालो, कोई पूछेगा ना तो आप ही के लिए खतरा है फिर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे चलें। उसके बाद क्या करना है, स्टेटस नहीं लगाना है, क्या करना है, ये करना है, लोगों को इनवाइट करना है जूम मीटिंग में, डीएमपीएल में बढ़िया सा यूट्यूब में वीडियो बना हुआ है, ठीक है, बढ़िया सा यूट्यूब में वीडियो बना हुआ है, गोवर्धन सर अगर आप सुन रहे होंगे तो उसका वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, सेशन का वीडियो जरूर बनाएंगे। क्या है, हमारा डीएमपीएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जाइए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, वहां जाएंगे तो आपको डीएमपीएल में लोगों को कॉल से जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट करें, कॉल करके लोगों को जूम मीटिंग तक कैसे लेकर आए, इसका बढ़िया सा वीडियो बना हुआ है, कैसा रहेगा अगर लगा के, तो आप उस वीडियो में जाइए, उस यूट्यूब चैनल में जाइए, और वीडियो को बार 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 देखेंगे ना, मास्टर हो जाओगे आप, मास्टरी आ जाएगी आपको। और इसको जिसको भी मैं बार, एक बढ़िया डायलॉग मैंने बनाया है, जिसको ये कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र चलाना आ गया, समझो वो डीएमपीएल में छा गया, ठीक है, तो आप अगर ये सीख गए ना तो आप छाने वाले हो डीएमपीएल में, सारे सपने पूरे होने वाले हैं। उसके बाद क्या करना है, जिनको भी आपने इनवाइट किया उनको फीडबैक कॉल के लिए अपने सीनियर से बात कराना है, कैसे सीनियर से, जो बेड में लेटा हुआ है, ठीक है, जो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आता है, ऐसे सीनियर से बात कराना अच्छा रहेगा क्या, लोग ऐसे करते हैं और बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है करके, नहीं ऐसे सीनियर से बात नहीं कराना है, जिंदा सीनियर, जिंदा मतलब क्या, ऐसा भाई ऐसे लोग जिंदा थोड़ी है दुनिया में जिसका कोई कुछ 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 लक्ष्य नहीं है, बस वो जिंदगी को काट रहे हैं, ऐसे काटते हुए लोगों से नहीं कराना है, जिंदा जिंदा वाले लोगों से बात कराना है, जिसके अंदर करेंट हो, जिसके अंदर एक्टिविटी दिखती हो, जिसका एक्टिविटी हर रोज के ट्रेनिंग मीटिंग में आता हो, ठीक है, और अभी सर से करके देख लो एक बार, जिस सीनियर से आप फीडबैक कराते हो है कि नहीं मीटिंग में, ट्रेनिंग में, मजा आ जाएगा, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अब आते हैं एक्साइटिंग ऑफर की ओर, तो वो एक्साइटिंग ऑफर दो दो ठो है, ठीक है, दूसरा एक्साइटिंग ऑफर का आपने, मैं आपको मैंने क्यूरियोसिटी बता दिया है, दूसरा एक्साइटिंग ऑफर किस से जुड़ा हुआ है, लेकिन पहला एक्साइटिंग ऑफर भी मजेदार है, तो मजेदार ऑफर को मैं बताना चाहूंगा, तैयार हो सब, आइए तो जानते हैं एक्साइटिंग ऑफर मार्च महीने के लिए जबरदस्त आपके लिए लेकर आया है डीएमपीएल, वो है ये है दोस्तों कि इस हफ्ते, ठीक है, इस हफ्ते अगर आप इतना इनकम कर लेते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं और आपने इस हफ्ते इतना इनकम कर लिया, ध्यान से सुनिए, अगर आप फ्रेशर हैं और आपने 3,000 इनकम कर लिया इस हफ्ते, तो आपको वॉच बैग और कंपनी का एक बुकलेट जिसमें प्लान, पूरा प्लान और प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है, वो फ्री में मिलेगा गिफ्ट के रूप में, कैसा रहेगा, ठीक है, तो ये सारे आपको क्राइटेरिया दिए हैं, गोल्ड है तो आपको इस हफ्ते 4,000 इनकम करना है, 1 स्टार से 2-3 स्टार वालों को 7,000 इनकम करेंगे तो ये तीनों चीज एक साथ मिलेगा, ठीक है, पर्ल है तो आपको 9,000 इनकम करने हैं, तीनों चीज मिलेगा, एमरल्ड है तो 12,000 इस हफ्ते, पूरे एक हफ्ते टाइम रहेगा आपके पास, आपको ये इनकम करना है, रूबी है तो 15,000 का इनकम, प्लेटिनम है तो 20,000, डायमंड है तो 25,000, और डबल डायमंड है तो 30,000 का इनकम करना है इस हफ्ते, आपके पास पूरे 7 दिन का समय आज से लेकर, और जितने लोग ये टारगेट अचीव करेंगे, ठीक है, आप चलिए तो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो ये टारगेट अचीव करने के लिए तैयार है इस हफ्ते, चलिए जल्दी से चैट बॉक्स ऑन करता हूं मैं, इस हफ्ते जितने लोग ये टारगेट अचीव करेंगे उनको ये ऑफर मिलेगा, वॉच बैग और कंपनी का बुकलेट, पूरे हफ्ते के, हफ्ते में, हफ्ते भर आपके पास टाइम है, जितने लोग ये टारगेट अचीव करेंगे उनको कंपनी में, ठीक है, कंपनी के हेड ऑफिस में आकर आपको तीनों के साथ मुलाकात करने का, और आपको ये ऑफर वहां ऑफिस में दिया जाएगा, हेड ऑफिस में, ठीक है, अगले 1 या 2 दिन बाद, या 9 तारीख या 8 तारीख को आपकी ऑफर, 9 तारीख को आपको ये ऑफर, अगर आप नहीं आ पाएंगे तो आपके सीनियर को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप आते हैं तो आपको तीनों एमडी के साथ फोटो खिंचाने का सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अब कैसा रहेगा, ठीक है, हेड ऑफिस में आने का मौका मिलेगा, अरे चैट बॉक्स बंद कर दिया, सॉरी शक्तिमान, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हाँ बताइए अब कैसा रहेगा, ठीक है, मतलब तीनों एमडी को साथ मुलाकात करने का जस्ट 1 से 2 दिन बाद आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जितने लोग ये ऑफर अचीव करेंगे उनको फोटो खिंचाएंगे ऑफर के साथ, ठीक है, आपको लाइव, आपको जिंदा दिया जाएगा एमडी लोगों के हाथों में, क्या बात है, जबरदस्त, जानदार, जिंदाबाद, शानदार, जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बात है, मजा आ जाएगा, ठीक है,
और मजा आने वाला है, रुको जरा। ठीक है, और एक और इसके साथ, अब कैसा रहेगा? ठीक है, एक ही गुड न्यूज में इतना सारा गुड न्यूज है, बहुत जबरदस्त रहेगा वो, रविकांत सोनी सर। चलिए अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आते हैं स्क्रीन में अपन। ठीक है, जितने लोग टारगेट अचीव करेंगे ना एक हफ्ते का, उनको एमडी लोगों के साथ, एमडी सर लोगों के साथ मिलने का और फोटो खिंचाने का, और साथ ही साथ उस ऑफिस में, हेड ऑफिस में आने का, विजिट करके फोटो खिंचा के आपको लाइव आपको दिया जाएगा। ठीक है, और मजे एक बात, ठीक है, अटेंशन प्लीज, और मजे एक बात क्या है पता है, टॉप 10 अचीवर्स को सिस्टम में बोलने का मौका मिलेगा। ऐसे इसी तरीके का सेशन होगा, उसमें आपको टॉप 10 जो अचीवर्स रहेंगे, ठीक है, जो टॉप 10 अचीवर रहेंगे इस ऑफर के, जो टॉप 10, जो पहले टॉप के 10 10 अचीवर रहेंगे, उनको सिस्टम में बोलने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसे बुलाया जाएगा 10 लोगों को, और आप उनके उनको उनके बारे में बताने का, अपने बारे में बताने का जबरदस्त मौका मिलेगा। अब कैसा रहेगा? बाप रे, सोने पे सुहागे इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब कैसा रहेगा? तो कितने लोग हैं जो टॉप 10 में आने वाले हैं? ठीक है, एमडी लोगों के साथ मिलने का मौका, फोटो खिंचाने का मौका, ऑफर मिलने का मौका, और जो टॉप 10 में आएंगे उनको ऐसा सिस्टम में, ऑनलाइन सिस्टम में बुलाया जाएगा, और उनको उनके बारे में बताने का मौका दिया जाएगा, टॉप 10 अचीवर को। क्या बात है! एक से एक कमेंट, गॉड टू सी ग्रेट हो, क्या बात है! फनी मधुकर सर, शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार, सोने पे सुहागा, मजा आ गया, शानदार, जबरदस्त, मैं आऊंगी टॉप 10 में। बोली कौन है भैया, कौन है भाई, मैडम यार, निकल गया, इतना सारा है। चलिए चलिए, शानदार, जबरदस्त, डेफिनेटली सर, डबल धमाल, राजू कुमार जी, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, नितेश गुप्ता सर, मैं आऊंगा, बोल रहे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सचिन फुल्ले सर। ठीक है, हाँ, आप ध्यान रखेंगे, उसमें ये लिखा गया है कि सिंगल आईडीज करना है ना, मल्टीपल आईडीज नहीं करना है, एक आईडीज आपके आपके पास ऑप्शन रहेगा, एक ही आईडीज करना है वहां पर अचीव, ठीक है, मल्टीपल वाला ऑप्शन नहीं है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और आपके पास तो एक दिन में 6,000 कमाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एक दिन में 6,000 कमाने का आपको मौका देता है डीएमपीएल, और आराम से एकदम सिंपल है, अगर आप रोज एक एक डायरेक्ट, दो दो डायरेक्ट अगर कर लेते हैं तो आराम से अचीवेबल है टारगेट। फ्रेशर की बात करूं, फ्रेशर अचीव कर सकता है टारगेट, अगर एक एक दिन में एक एक डायरेक्ट, दो दो डायरेक्ट अगर निकाले ना, तो एक हफ्ता में इजिली इजिली अगर आप देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आप इजी इजी है टारगेट अचीव कर सकते हैं, इजी, एकदम इजी। ठीक है, ये है पहला बड़ा खुशखबरी। अब दूसरा जबरदस्त खुशखबरी, ठीक है, उससे पहले कुछ और बातचीत करते हैं, आगे चले, तो आप बहुत सारे लोग इसमें अचीव करने वाले, हमको पता है, टॉप 10 वाले को मिलेगा भैया केटीएस सिस्टम में, हजारों लोगों के बीच में उनको अपने बारे में बताने का मौका, ये एकदम अलग मौका है। ठीक है, मौका हाथ से छूटने ना पाए, और अभी बहुत सारे लोगों के अंदर एकदम जुनून आ गया, हो गया आज से भीड़ जाना है करके। ठीक है, आज पहला दिन है, और इस ऑफर का भी पहला दिन है, और मजा आएगा, टॉप 10 वाले का अब चलेगा कंपटीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉप 10 को मिलेगा। उसके बाद एक चीज बहुत बहुत मेरे मेरा खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर इस बिजनेस में आप एकदम अच्छा से काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप परिणाम, अगर परिणाम आपके हिसाब से नहीं आ रहा है, आप अच्छा से काम कर रहे हैं, आपको लगता है ऐसा, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं भारी मेहनत करता हूँ, भारी मेहनत करती हूँ, लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा जैसा परिणाम आना चाहिए, तो दोस्तों मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात, कि अगर ऐसा है, आप एकदम मेहनत कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है, और रिजल्ट अब ऐसा नहीं आ रहा है ना, तो उसके दो कारण है। पहला बड़ा कारण ये है कि या तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एकदम मेहनत कर रहे हो यार, एकदम, कहाँ लिखा है कि मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, गलत तरीके से मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आता, तो पहला बड़ा कारण है, अगर आप मेहनत कर रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो या तो गलत तरीके से काम कर रहे हो, और दूसरा बड़ा कारण जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, जो मैंने प्रैक्टिकल इसको महसूस किया, फील किया है, या तो गलत तरीके से काम कर रहे हो आप इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है, या तो गलत लोगों के साथ काम कर रहे हो, दोनों में से एक चीज को बदल लो। ठीक है, अगर आप, अरे मेहनत करोगे पैसा कैसा नहीं आएगा यार, बताओ, ठीक है, डीएमपीएल ने कोई आदमी को ऐसे लिख के रखा है क्या, इसी पैसा भेजेंगे करके, कहीं लिखा है क्या ऐसा, कुछ नहीं है। अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है ना, तो आप गलत तरीके से कर रहे हो, या तो दूसरा कारण है कि आप गलत लोगों के साथ काम कर रहे हो, गधे को शेर बनाने चक्कर में इतना पीठ पाट रहे हो, ठीक हो, कहानी आप सब जानते हो, नहीं बताऊंगा, ठीक है, ऐसे करते हैं कई लोग भाई, अपने पास लोगों कमी थोड़ी यार, लोग को बदल देना है। ठीक है, आगे चलें, छोटा बदलाव बड़ी परिणाम, ठीक है, छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं, या तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, या तो गलत लोगों को, और मैंने कई सारे गलत तरीके होते हुए देखा है, तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और हो सकता है लिखिएगा, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ना कि उनकी एक्टिविटी से उनका रिजल्ट बहुत बदलता है, ठीक है, छोटे छोटे बदलाव करने जरूरी है,
अगर आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में आप एक्टिव नहीं हो, ठीक है, तो समझ जाओ आप गलत तरीके से काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि बड़े रिजल्ट आए करके। तो आज से सुधर जाना है, महीने का पहला दिन है, ठीक है, टारगेट का पहला दिन है, ठीक है, मान के चलो कि इस बिजनेस का आपका पहला दिन है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो कि कमी रह गई, देखो और सुधार करो, ठीक है। हो सकता है आप असफल हुए होंगे तो कोई बात नहीं, आज से सुधार कर लेना है। कई सारे लोग को देखता हूँ ग्रुप में एकदम ना है तो, लेकिन मरे हुए टाइप के, जिंदा ही नहीं है, ग्रुप में जुड़े हुए हैं लेकिन पता नहीं क्यों जुड़े हैं, समझ नहीं आता। भाई अगर इस काम से पैसा चाहते हो तो ग्राम में एक्टिविटी करो ना यार। नौकर बनते हैं ना जब किसी का, किसी के अंदर नौकरी करते हैं तो इतना शिद्दत से नौकरी करते हैं, चार ठो गाली देता है बॉस तब भी अपन यस सर यस सर यस सर सलाम ठोकते हैं जाके। लेकिन इस बिजनेस में मालिक बनने का एकदम माइंड सेट रखें, लेकिन ना ग्रुप में कोई एक्टिविटी नहीं है, ग्रुप में तो हैं लेकिन मरे हुए हैं। और याद रखिए जो जिंदा है ना, समझ जाओ वही जिंदगी जी रहा है, ठीक है। और सोए हुए को जगाया जा सकते हैं, लोग सोए नहीं होकर नाटक करते हैं, समझ नहीं आता ग्रुप में जुड़े क्यों हो, एक्टिविटी रहनी चाहिए, आप जिंदा हो, आपके सब टीम वाले देख रहे हैं। दूसरा बड़ा चीज जो बदलाव करने की जरूरत है, कई सारे लोगों को देखता हूँ स्टेटस नहीं लगाते हैं ट्रेनिंग और मीटिंग का, ठीक है, और मजे की बात है कई लोग अच्छा अपने आप को अलग रैंक में ला चुके हैं फिर भी स्टेटस नहीं लगाते हैं। और कई लोग को देखता हूँ बड़ा मजा आता है, अगले दिन सुबह लगाते हैं 7 बजे 7:30 बजे स्टेटस, हे प्रभु हे जगन्नाथ, ठीक है, सुधर जाओ, ठीक है। ये छोटे छोटे चीजों से बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, या देखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या नहीं देखेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों के माइंड सेट में आपके काम को देखकर आपके एक्टिविटी को देखकर लोगों का माइंड सेट बनता है आपके लिए, ठीक है। और आपको थोड़ी बोलेगा यार, आप टॉप लीडर हो, आप बड़े लीडर हो, ठीक है, आप उनके सीनियर हो तो कोई जूनियर तो बोलेगा नहीं, लेकिन देख तो रहा है, ठीक है, देख तो रहा है, सारी चीजें देख रहा है आपका पार्टनर, ठीक। सबको बोल रहा हूँ यार, गारंटी दे रहा हूँ आप पैसा कमाओगे, जिंदगी बदलेगी डीएमपीएल से, आज नहीं तो कल, ठीक है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, सब जो सब होगा, लेकिन आपको अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे, और ये पॉजिटिव वे में बदलाव करना है, ठीक है। पहला बदलाव कि आपको ग्रुप में एक्टिविटी करनी है, शाम को कई लोग को देखता हूँ, कई लोग ट्रेनिंग मीटिंग में आते ही नहीं है और चाहते हैं पैसा नहीं आ रहा सर, कमा नहीं रहे, भाई आओगे तब तो आएंगे यार, हमारा कोई इन्वाइटिस नहीं है तो इसलिए आप मीटिंग में नहीं आ रहे, जो मीटिंग में तो भाई आज नहीं है तो कल तो आएगा, मतलब आप अपने बिजनेस को बिजनेस टाइप का ले ही नहीं रहे हो, सुधार लेना है भैया, ठीक है। अगर सुधार लोगे ना तो यह जो ऑफर है इजिली अचीव होगा यार, इतना 3,000 रुपया फ्रेशर के लिए कमाना इतना मामूली बात है, डीएमपीएल में इतना आसान है पूछो मत, लेकिन ये छोटे छोटे बदलाव, ठीक है, और सारे लीडर्स को करने पड़ेंगे ऊपर से नीचे तक, जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा ही करेगा, तो सुधर जाइए, ठीक है, वक्त के साथ बदल जाओ, नहीं वक्त बदलेगा तब बड़ा तकलीफ होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलें, आप जानते हैं, ठीक है, समय ये मेरा फेवरेट है, ठीक है, समय न कभी ठहरा है न बदली कभी अपनी चाल है, समय किसी के लिए ठहरता नहीं भैया और अपना चाल नहीं बदलता, आज नहीं सुधरोगे तो फिर कल आपको वक्त तो सुधारेगा बहुत तकलीफ में आने वाला है, तो वक्त रहते सुधर जाइए, समय न कभी ठहरा है न बदली कभी अपनी चाल है, जिसका जैसा कर्म है उसका वैसा हाल है। अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है ना सही तरीके से, आप जितना चाह रहे हो उतना नहीं कमा रहे हो ना, तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप ही हो, आपको किसने रोका है प्लान बताने से, आपको किसने रोका है इन्विटेशन करने से, आपको किसने रोका है सुबह मीटिंग ट्रेनिंग में अटेंड करने से, नहीं करने कौन बोल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ आप, आपको कोई बोलता है क्या अटेंड मत करो करके, सिर्फ आप ही बोलते हो अटेंड नहीं करना है करके, ठीक है। तो जितना जो भी जिस हाल में हो ना उसका सिर्फ एक ही व्यक्ति कारण है और वो आप हो, अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो उसका कारण आप हो, अगर कम पैसा कमा रहे हो तो उसका कारण आप हो, और नहीं कमा रहे हो तब भी उसका कारण आप हो, और आपकी घर की स्थिति जैसा है ना कर्जे में है तो उसका कारण आप हो, आपकी घर की स्थिति खराब है उसका कारण आप हो, आपके बीवी अच्छे कपड़े पहन नहीं रहे अच्छी साड़ी नहीं पहन रहे तो उसका कारण आप हो, आपके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे अच्छे स्कूल में तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आपके पास तो मौका है यार, कमा सकते हो जितना कमाना है, नहीं कमा रहे हो लाली कर रहे हो तो उसका कारण आप ही हो, ठीक है। तो सुधर जाओ भाई, नहीं जिंदगी कचड़े से भी बदतर हो जाएगी, ठीक है, आगे चलें। ये अब आ गई है बारी मनाली टूर जाने का, ठीक है, सॉरी मनाली से याद आता है यार, एक बार आ जा का है तो निकल नहीं रहा, उत्तराखंड का जबरदस्त से था और इस बार तो और जबरदस्त होने वाला है, जिम कार्बेट जाएंगे, नैनीताल का टूर रहेगा 2 डेज 3 नाइट का, ठीक है, और जबरदस्त तरीके से एंजॉय करेंगे वहां पर, ठंडे ठंडे वादियों में गर्मी के मौसम में ठंड का मजा, ठीक है, ठंडा ठंडा कूल कूल होने वाला है, एकदम सिंपल सरल सा टारगेट है, आपको क्या करना है इस महीने, इतना मैं क्यों जगा रहा हूँ, इतना झिझोर के रहा हूँ अंदर तक, क्योंकि यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ से छूट जाएगा ना तो जिंदगी में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है।
पछतावे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एकदम सिंपल सा टारगेट ये है कि फ्रेशर है तो आपको पूरे महीने भर में मात्र 25,000 रुपए का इनकम करना है, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। पूरे महीने भर आप पूरा मेहनत कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, 1 मार्च से 31 मार्च तक, ठीक है। और इस ऑफर को आप अचीव कर सकते हैं, 25,000 का इनकम, गोल्ड है तो 30-35 हज़ार का इनकम, ठीक है। और इसमें मजे की बात है, इसमें गोल्ड इनकम भी आपका एड रहेगा, आप गोल्ड का इनकम भी आएगा, वो भी एड रहेगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, सिंगल आईडी से ये करना है परचेज, सॉरी अचीव करना है टारगेट को, तो आपको पूरे 2 रात और 3 दिन आपको कंपनी के टॉप लीडर्स, डायरेक्टर लोग रहेंगे, सारे अचीवर्स लोग रहेंगे, अलग माहौल मिलेगा, पूरे ठंड में मजे, ठंड का मजा लेंगे गर्मी में, ठीक है। और ये मे भी हो सकता है अप्रैल में जाएंगे अपन, ठीक है, अप्रैल में अपन जिम कार्बेट और नैनीताल जाएंगे, तो मजा आने वाला है, जबरदस्त जबरदस्त लेवल का तैयारी हो चुका है। तो ये आप स्क्रीनशॉट करिए और आपको ग्रुप में मिल भी जाएगा, और कोशिश करेंगे तो इसको मत डालेंगे स्क्रीनशॉट करके, ठीक है, वो साफ सुथरा नहीं रहता, आपको मिल जाएगा उसको डालना है, ठीक है। और साथ ही साथ अब मौका है दोस्तों, इस महीने आपके पास पूरा भरपूर टाइम है, अब आप अगर कुछ नहीं कर पाए तो इसका जिम्मेदार आप खुद रहेंगे, या तो जान लगा दो या तो फिर जाने दो। अब 1 महीना पूरा जान लगाकर काम करना है, नहीं भैया नहीं कर सकते ना तो फिर जाने दो, टाइम पास मत करो, नहीं टाइम आपको पास कर देगा, ठीक है। तो चलिए आज से मुझे लगता है कि सारे लोग जान लगा देंगे, अब कर दिखा वो जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है, डीएमपीएल है तो सब आसान है, ठीक है। तो आपको टारगेट मिला हुआ है पहले इस हफ्ते, अगर आप जो आपको बताया गया वो टारगेट अचीव करते हैं तो आपको जो ऑफर है, वॉच और बैग और साथ ही साथ कंपनी का बुकलेट ब्राउजर, वो आपको कंपनी के हेड ऑफिस में आकर एमडी लोगों के हाथों से लेने का शानदार मौका मिला है, जहां पर आप एमडी लोगों के साथ ऑफिस में, हेड ऑफिस में फोटो खिंचाएंगे और लोगों को वायरल करेंगे फोटो, तो उससे बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही साथ जो टॉप 10 अचीवर्स रहेंगे उनको इस सिस्टम में, ऐसा जो मीटिंग हो रहा है, ऐसे सुबह मीटिंग में बुलाया जाएगा 10 लोगों को, और उनको उनके बारे में बताने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और साथ ही साथ आज से लेकर 31 मार्च तक जो आपको टारगेट दिया गया, उस टारगेट को अचीव कर लेते हो तो आपको फ्री में जिम कार्बेट और नैनीताल घूमने का मौका मिलेगा, डायरेक्टर लोगों के साथ जबरदस्त तरीके से आपको वहां सीखने का, घूमने का, एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे केवल आपके जैसा, तो डीएमपीएल है तो सब आसान है। और आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मजा आ गया आप सबसे मुलाकात करके, और आज तो लगता है कि ना लोग आप सो नहीं पाएंगे, फुल जबरदस्त तरीके से लोग आज जाग गए होंगे, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा। चलिए चैट बॉक्स ऑन करता हूँ मैं, और कितने लोग तैयार हैं, कैसा लगा आज का सेशन, कितना एक्साइटमेंट है, जल्दी मैसेज करेंगे, फिर हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। शाम का सेशन जबरदस्त होने वाला है, और ईमानदारी साथ करें भैया, अपना बिजनेस मानकर चलें, अपना बिजनेस मानकर करेंगे तो शाम का मीटिंग भी जबरदस्त भीड़ होने वाला है, ठीक है। और देखना यार ज्वाइन कराते हो, ठीक है, शाम के मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, कई कारण, कई बार ऐसा होता है कि अपन कहीं व्यस्त है, तो कम से कम ज्वाइन करके छोड़ दें तो बेस्ट है, ठीक है, वीडियो ऑन नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन करके जरूर रखें, क्या है ना ये सब देखता है आपका डाउन पार्टनर, ठीक है, आपका अपलाइन भी देख रहा है, अपलाइन लोग को भी बोल रहा हूँ, ऐसे डाउन लोगों लाइन लोगों के साथ काम मत करना जो सिंसियर नहीं है, नहीं तो आपका और अपना टाइम दोनों का बर्बाद होने वाला है। क्या बात है, होरीलाल यादव सर जबरदस्त शानदार सेशन, जबरदस्त, बहुत मजा आ गया सर, फुल एक्साइटेड है, जबरदस्त ऑफर, मजा आ गया, बहुत ही शानदार ऑफर है, जबरदस्त जबरदस्त मजा आ गया, मैं तैयार हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। संतु यादव जी, नितेश कुमार गुप्ता जी, आगे आगे विजय टप्पो सर, क्या बात है, क्या बात है, अति सुंदर। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मुलाकात करके, ठीक है। और थोड़ा सा ना एक आदत डालिए सर्च करने का, अपने सीनियर को, अपने डाउन पार्टनर्स को, मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो आपको उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा, मैंने बोला ना मेरा डायलॉग समझ, याद रखना जिंदगी भर बिजनेस में जब तक हो याद रखना, अगर आप जैसा चाह रहे हो वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो या तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, गलत तरीका, तो छोटे छोटे तरीके जो गलत है उसको अपडेट करना है, डेली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना है, ग्रुप में एक्टिविटी करनी है, अभी भी बोल रहा हूँ ना, कई सारे लोग ना पता नहीं शर्म तक नहीं आता उनको, ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, तब भी ग्रुप में जाकर एक्टिविटी नहीं करेंगे।